केजरीवाल की भाषा बोल रहे बजरंग पूनिया, लोगों से अपील के बाद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है ये हैशटैग। पिछले कुछ दिनों से भारतीय पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, लेकिन बुधवार को पहलवानों पर तथा कथित दिल्ली पुलिस के हमले और धारा 144 लागू होने के बाद से मामला तनावपूर्ण हो गया। इस बीच मिडनाइट बवाल से नाराज इंटरनेशनल पहलवान बजरंग पूनिया सीएम अरविंद केजरीवाल की भाषा में बात करने लगे हैं। उनका बयान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली चलो हैशटैग से ट्रेंड कर रहा है। बजरंग पूनिया के अपील का असर भी दिखने लगा है। इस अपील के बाद भी वो ट्विटर पर दिल्ली पुलिस के बाद दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक दिल्ली पुलिस नंबर 2 यानी 312 के ट्वीट के साथ ट्रेंड में है, तो तीसरे नंबर पर बजरंग पूनिया ट्रैक्टर लेकर दिल्ली चलो हैशटैग 31.5 के ट्वीट के साथ ट्रेंड में है। वही चौथे नंबर पर रिसलर्स प्रोटेस्ट हैशटैग 68.9 के ट्वीट के साथ ट्रेंड में है। मिडनाइट बवाल के बाद उनके देशवासियों से अपील, भाषा ठीक वैसा ही है जैसा सीएम अरविंद केजरीवाल किसी रैली को संबोधित करते हुए या विरोधियों पर हमला बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दरअसल बीती रात जंतर मंतर पर बीती रात दिल्ली पुलिस से पहलवानों की तीखी नोकझोंक के बाद चर्चित पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा था कि आज देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को आज पूरे देश का समर्थन की जरूरत है। सभी को दिल्ली आना चाहिए। पुलिस हमारे खिलाफ बल प्रयोग कर रही है, महिलाओं को गाली दे रही है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। अब उनका यह बयान ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। पहले क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने, बता दें कि 29 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों से मुलाकात के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया कर्मियों से कहा था कि एक एफआईआर के लिए पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा, इसलिए जो लोग भारत से प्यार करते हैं मैं उन सभी से अपील करता हूँ कि वो छुट्टी लेकर यहाँ आ जाए, जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ खड़े हो जाए। उन्होंने कहा कि जो भी भारत के साथ खड़ा है, इन बच्चों ने देश का नाम इसलिए थोड़े ही रोशन किया था कि उन्हें इस तरह की परेशानी झेलनी पड़े। कौन है पहलवान बजरंग पूनिया? बजरंग पूनिया एक भारतीय पहलवान है। साल 2018 में एशियन खेलों में पुरुषों की 65 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा के फाइनल में जापान के पहलवान तकातानी डियाची को एक तरफा मुकाबले में 11-8 से हराकर गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुए थे। इसके साथ ही वह एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के 9वें पहलवान हो गए। बजरंग पूनिया ने यह गोल्ड मेडल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया था। इसके अलावा भी वह कई इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत के लिए मेडल जीत चुके हैं।